नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो एशिया कप 2022 का तीसरा मैच खेला जाएगा 30 अगस्त को बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में शारजा के शारजा क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मुकाबले के लिए शारजा क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है। वहीं पर दोस्तों, इस तीसरे मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों, एशिया कप 2022 के तीसरे मैच में शारजा क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, वहीं पर इस तीसरे मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मुकाबले से जुड़ी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एशिया कप 2022 के सभी मैचेस की एक्यूरेसी के साथ टॉस, मैच और सेशन की प्रेडिक्शंस पाना चाहते हो तो आप एक बार सिकंदर भाई के साथ कांटेक्ट जरूर करें। आपको इनकी डिटेल्स स्क्रीन पर शो रही होंगी। इसके अलावा इनका व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप एक बार इनके साथ कॉन्टैक्ट जरूर करें। और अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एशिया कप 2022 के तीसरे मैच के लिए शारजा क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट T20 इंटरनेशनल मैचेस के रिकॉर्ड्स की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो जो पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस यहां पर हुए हैं उसमें से 4 मैचेस फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि सिर्फ एक मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है। और एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का जो स्कोर है वो 169 रन का रहा है, जबकि एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 138 रन का रहा है। तो दोस्तों, आप इन लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट से देख सकते हो कि जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम की पिच है वहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम्स ने ही ज़्यादातर मुकाबले जीते हैं। इसका मतलब दोस्तों, इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। पहली इनिंग्स में बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं, इसलिए आपको पिछले 5 मैचेस का जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो 170 के करीब का नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे इस पिच पर मैच आगे बढ़ता जाएगा, ये पिच जो है वो लो एंड स्लो होती जाएगी, बल्लेबाजी करना इस पिच पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। सेकेंड इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है वो आपको इसीलिए 140 के नीचे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पिच की स्लोनेस की वजह से गेंद बल्ले पर उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है। और यहाँ पर दोस्तों यही देखा गया है कि 150 और 160 का स्कोर चेस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। तो इसलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से इस मैच में जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा, और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को यही कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट इनिंग्स में कम से कम 160 या 170 के करीब स्कोर बनाया जाए। अगर इतना स्कोर बन जाएगा तो दोस्तों, फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम के मैच जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर ले पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की, तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो बनाया था पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 189 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इसके अलावा जो लोएस्ट टोटल है वो नामीबिया की टीम का है न्यूजीलैंड के खिलाफ 111 रन 7 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर जो हाईएस्ट टोटल चेस हुआ है वो साउथ अफ्रीका ने किया है श्रीलंका के खिलाफ 146 रन 6 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है वो किया है न्यूजीलैंड ने नामीबिया के खिलाफ 163 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इस मुकाबले में शारजा क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो दोस्तों, जो पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 27 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 27 विकेट्स ही स्पिनर्स को भी मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 24 विकेट लिए हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 3 विकेट मिले, राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 5 विकेट लिए हैं, राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 14 विकेट मिले और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने टोटल 8 विकेट्स लिए हैं। तो ये जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स हैं वो आपको क्लियरली बता रहे हैं कि जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम की पिच है वहाँ पर तेज़ गेंदबाज और स्पिनर्स दोनों के लिए हेल्प रहती है, दोनों के लिए ये पिच इक्वल असिस्टेंस देती है। अगर हम बात कर लें स्पिनर्स की, तो दोस्तों जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा ये पिच लो एंड स्लो होती जाएगी और स्पिनर्स स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। राइट आर्म लेग स्पिनर्स और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में इस मैदान पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी करी है, उनको काफ़ी मदद भी मिलती है और काफी ज्यादा विकेट चटकाए हैं। ऐसे में दोस्तों, सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स घातक हो सकते हैं, जबकि फर्स्ट इनिंग्स में आपको तेज गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आएंगे। स्पेशली जो शुरुआती ओवर्स होंगे वहां पर तेज गेंदबाजों को स्विंग भी मिल सकती है, जबकि जो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, यानी कि जो अपनी गति में थोड़ा मिश्रण करते हैं, वेरिएशंस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं,
उस तरीके के गेंदबाज भी इस पिच पर इफेक्टिव साबित होंगे। तो इसलिए दोस्तों मेरा आपको ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना होगा, और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो जहां पर 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। और आपको उन फास्ट बॉलर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए जो मीडियम फास्ट बॉलर हैं या फिर जो ऑलराउंडर हैं। वहीं स्पिनर्स की अगर बात की जाए तो आप एक राइट आर्म लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। दोस्तों हम बात कर लेते हैं एशिया कप 2022 के तीसरे मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो मुझे नहीं लगता कि इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करेगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में अफगानिस्तान के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ने ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जहां पर उन्होंने श्रीलंका को 8 विकेट के बड़े मार्जिन से हराया था। तो ऐसे में अनचेंज प्लेइंग 11 के साथ ही अफगानिस्तान की टीम मोस्ट लाइकली खेलने वाली है, जहां पर आपको इनके लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे एक बार फिर से हजरतुल्लाह जजाई के साथ, विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज, नंबर 3 पर आ सकते हैं इब्राहिम जादरान, नंबर 4 पर नजीबुल्लाह जादरान, नंबर 5 पर कैप्टन मोहम्मद नबी, नंबर 6 पर करीम जन्नत, नंबर 7 पर राशिद खान, नंबर 8 पर अजमतुल्लाह उमरजई, नंबर 9 पर नवीनुल हक, नंबर 10 पर फजल हक फरूकी और नंबर 11 पर मुजीबुर रहमान आ सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए बांग्लादेश की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में आपको कुछ इनके सीनियर प्लेयर्स की वापसी होते हुए नजर आएगी, जैसे कि कैप्टन शाकिब अल हसन, इसके अलावा विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम और मोहम्मद सैफुद्दीन। तो दोस्तों इनकी वापसी से बांग्लादेश की प्लेइंग 11 आपको बैलेंस्ड होते हुए नजर आएगी। तो बांग्लादेश की जो प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे मोहम्मद नईम के साथ अनामुल हक, नंबर 3 पर आएंगे कैप्टन शाकिब अल हसन, नंबर 4 पर आफीफ हुसैन, नंबर 5 पर विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम, नंबर 6 पर महमूदुल्लाह, नंबर 7 पर सब्बीर रहमान, नंबर 8 पर मेहदी हसन, नंबर 9 पर मोहम्मद सैफुद्दीन, नंबर 10 पर नसूम अहमद और नंबर 11 पर मुस्तफिजुर रहमान आने वाले हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं एशिया कप 2022 के तीसरे मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का T20 इंटरनेशनल में आमना सामना टोटल 8 मैचेस में हुआ है, जहां पर अफगानिस्तान की टीम ने 5 मैचेस जीते हैं जबकि बांग्लादेश की टीम सिर्फ 3 मैचेस ही जीत पाई है। तो ओवरऑल रिकॉर्ड में अफगानिस्तान का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की जो कि इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, तो वहां पर मामला बराबरी का है। अफगानिस्तान की टीम ने भी 2 मैचेस जीते हैं जबकि बांग्लादेश की टीम भी 2 मैचेस जीत पाई है और एक मुकाबला बारिश की वजह से अबैंडन्ड हो गया था। अब अगर हम बात कर लें इन दोनों टीमों की T20 इंटरनेशनल्स में रीसेंट फॉर्म की, तो अफगानिस्तान की टीम ने अपने पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में से 3 मैच जीते हैं, सिर्फ 2 मुकाबले हारे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम ने पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीता है और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि रीसेंट फॉर्म के मामले में भी अफगानिस्तान की टीम बेहतर नजर आ रही है। बांग्लादेश की T20 इंटरनेशनल्स में जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। अब अगर हम बात कर लें पिछले 10 मैचेस में दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की, तो बांग्लादेश का जो विनिंग परसेंटेज है वो मात्र 20% है जबकि अफगानिस्तान का 70% है, जो कि काफ़ी बेहतर है। एवरेज स्कोर के मामले में बांग्लादेश की टीम थोड़ा सा बेहतर है 142 जबकि अफगानिस्तान का 138 है। हाईएस्ट स्कोर के मामले में अफगानिस्तान बेहतर है 189 और बांग्लादेश का 188 है। लोएस्ट स्कोर के मामले में बांग्लादेश की टीम थोड़ा बेहतर है 108 और अफगानिस्तान का 95 है। इसके अलावा अगर हम ऑन वेन्यू परफॉर्मेंस की बात कर लें, तो बांग्लादेश की टीम ने इस मैदान पर 2 मैचेस खेले हैं T20 इंटरनेशनल में और दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। अफगानिस्तान की टीम ने जो पिछले 10 T20 मैचेस यहां पर खेले हैं उसमें इनका विनिंग परसेंटेज 80 है, यानी कि इन्होंने 8 मैचेस जीते हैं और सिर्फ 2 मुकाबले हारे हैं। एवरेज स्कोर के मामले में दोनों टीमें बराबर है 155 जबकि हाईएस्ट स्कोर के मामले में बांग्लादेश का 171 है और अफगानिस्तान को 215, यानी कि यहां पर भी अफगानिस्तान की टीम ही बेहतर है। और लोएस्ट स्कोर के मामले में बांग्लादेश की टीम थोड़ा बेहतर है 139 जबकि अफगानिस्तान का 115 है। तो अगर आप वेन्यू परफॉर्मेंस की बात करोगे तो अफगानिस्तान की टीम ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेले हैं और काफ़ी ज़्यादा मैचेस में जीत हासिल करी है। इनका परफॉर्मेंस इस मैदान पर शानदार रहता है जबकि बांग्लादेश की टीम ने जो 2 मैचेस खेले हैं दोनों मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। तो इस मैदान पर अफगानिस्तान का पलड़ा मुझे ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है और ओवरऑल रिकॉर्ड में भी अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान की टीम यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की जो इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर लें तो आप अफगानिस्तान की टीम की तरफ से हजरतुल्लाह जजाई के साथ जा सकते हो। पिछले 8 मैचेस में 236 रन बनाए हैं 39 के एवरेज और 136 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर आप नजीबुल्लाह जादरान को भी रख सकते हो, पिछले 10 मैचेस में 230 रन बनाए हैं 33 के एवरेज और 150 के स्ट्राइक रेट के साथ। बांग्लादेश की टीम की तरफ से आप आफीफ हुसैन के साथ जा सकते हो, पिछले 10
10 मैचेस में 235 रन बनाए हैं 29 के एवरेज और 114 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर आप महमूदुल्ला के साथ भी जा सकते हो, पिछले 8 मैचेस में 124 रन बनाए हैं 15 के एवरेज और 106 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर आप महमूदुल्ला के साथ नहीं जाना चाहते हो तो फिर आप कैप्टन शाकिब अल हसन या फिर मुशफिकुर रहीम के साथ भी जा सकते हो। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले अफगानिस्तान के गेंदबाजों की बात कर लें तो यहाँ से आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर फजल हक फरूकी के साथ जा सकते हो, जिन्होंने पहले मैच में बेहतरीन गेंदबाजी करी थी। पिछले 8 मैचेस में 12 विकेट्स लिए हैं 5.43 की इकॉनमी और 14.83 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप मोहम्मद नबी के साथ भी जा सकते हो, जो कि राइट आर्म ऑफ स्पिन ऑलराउंडर हैं। पिछले 10 मैचेस में 9 विकेट्स लिए हैं 7.09 की इकॉनमी और 14.66 के स्ट्राइक रेट के साथ। अफगानिस्तान की टीम की तरफ से दोस्तों आप राइट आर्म लेग स्पिनर राशिद खान को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। बांग्लादेश की तरफ से आप मुसद्दिक हुसैन के साथ जा सकते हो, अगर ये मुकाबला खेलते हैं। पिछले 5 मैचेस में 8 विकेट्स लिए 6.06 की इकॉनमी और 12 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप लेफ्ट आर्म स्पिनर नसूम अहमद के साथ भी जा सकते हो, पिछले 7 मैचेस में 7 विकेट्स लिए 8.35 की इकॉनमी और 18 के स्ट्राइक रेट के साथ। दोस्तों हम बात कर लेते हैं एशिया कप 2022 के तीसरे मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर हम इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लें तो ओपनिंग के मामले में इस समय अफगानिस्तान की टीम ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। मिडिल ऑर्डर के मामले में बांग्लादेश की टीम थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। बैटिंग डेप्थ के मामले में भी अफगानिस्तान की टीम ही ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। पेस बॉलिंग अटैक के मामले में भी अफगानिस्तान की टीम स्ट्रांग लग रही है, जबकि स्पिन बॉलिंग अटैक के मामले में दोनों टीमें लगभग बराबर नज़र आ रही हैं। तो अगर आप ओवरऑल प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करोगे तो अफगानिस्तान की टीम की जो प्लेइंग 11 है वो थोड़ी सी ज़्यादा बैलेंस्ड और बेहतर नज़र आ रही है बांग्लादेश के कंपैरिजन में। बांग्लादेश की जो T20 इंटरनेशनल्स में फॉर्म है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। इस साल इन्होंने जितने भी T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं वहाँ पर ज़्यादातर मुकाबलों में इनको हार का सामना करना पड़ा है, जबकि अफगानिस्तान ने जिस तरीके से एशिया कप 2022 के पहले मैच में श्रीलंका को हराया है उससे सभी टीमों को उन्होंने चौंकाया है और अपने परफॉर्मेंस से ये बता दिया है कि हम यहाँ पर जो है वो एशिया कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने आए हैं। तो मुझे यहाँ पर करेंटली अफगानिस्तान की जिस तरीके से फॉर्म नज़र आई है उसके अनुसार फेवरेट्स अफगानिस्तान नज़र आ रहा है, और ओवरऑल रिकॉर्ड में भी अफगानिस्तान ने ज़्यादा मैचेस जीते हुए हैं तो इसका भी मेंटली एडवांटेज अफगानिस्तान को मिल रहा है। तो ओवरऑल हिसाब से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की टीम को इस मुकाबले में थोड़ा सा एज हासिल है, और इसलिए दोस्तों इस मुकाबले की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो अफगानिस्तान के साथ ही जाने वाली है। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 आपको ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम एशिया कप 2022 का तीसरा मैच जीतने वाली है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।